गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास फिफ्थ में इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड क्लॉज की चैप्टर को आगे पढ़ाएंगे। पिछली वीडियोस में हमने आपको इस चैप्टर में बताया था कि सेंटेंसेस क्या होते हैं और कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, और इसी के साथ साथ हमने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर कुछ एक्सरसाइज पार्ट भी फिल करवा दिया था। उम्मीद है आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस अब समझ में आ गए होंगे। अब इसके आगे अब हम क्लॉजेस यानी टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक निकाल लेंगे और पेज नंबर 19 ओपन करेंगे इंग्लिश ग्रामर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। ए सबऑर्डिनेट यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज, जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ए सबऑर्डिनेट क्लॉज मे फंक्शन एज ए नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस। एक जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो किसी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में किसी नाउन यानी संज्ञा, किसी एडजेक्टिव यानी विशेषण या किसी एडवर्ब यानी क्रिया की तरह काम कर सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस देयर फंक्शन इन ए सेंटेंस, उनके वाक्यों में काम करने, सेंटेंस के इस तरीके के ऊपर सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिवाइड किया गया है। सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। अब हम जानेंगे सबऑर्डिनेट के कितने टाइप होते हैं। 3 टाइप हैं, एक एडजेक्टिव क्लॉज, दूसरा एडवर्ब क्लॉज, तीसरा नाउन क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज यानी विशेषण वाला क्लॉज, सेकंड एडवर्ब क्रिया, नाउन संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। अब हम पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं, ये क्या करते हैं। ए डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्लॉज। एक डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो किसी भी एडजेक्टिव की तरह एक सेंटेंस में काम करे, यानी कि किसी चीज़ की गुण बताए, किसी की कोई विशेषता बताए। एडजेक्टिव यानी विशेषण, विशेषण क्या करते हैं, विशेषता गुण वगैरह बताते हैं। अगर कोई भी क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज में एडजेक्टिव का फंक्शन प्ले करता है तो उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। एन एडजेक्टिव क्लॉज वर्क्स लाइक एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस, एक एडजेक्टिव क्लॉज किसी वाक्य में एक विशेषण की तरह काम करता है। द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव इज टू मॉडिफाई यानी कि डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव क्लॉज का काम क्या होता है, वो किसी भी सेंटेंस को डिस्क्राइब करता है यानी कि और उसे अच्छे से बताता है। कि जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि ये फ्रॉग है और ये फ्रॉग लाल रंग की है, बता रहा है ना कि ये फ्रॉग के बारे में बता रहा है कि कैसी है और विशेषता उसे डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि वो एडजेक्टिव क्लॉज है किसी भी संज्ञा को या किसी भी सर्वनाम को। एन एडजेक्टिव क्लॉज बिगिंस विद द रिलेटिव प्रोनाउन, ये जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है, जैसे कि दैट, हु, हुम, हूज, विच और हूज। ये रिलेटिव प्रोनाउन यानी जिससे किसी एक चीज़ से रिलेट करना, संबंध बताने वाले प्रोनाउन से। जैसे ये सेंटेंस हम पढ़ेंगे, रीड दिस सेंटेंस केयरफुली। हम ये पढ़ेंगे, फर्स्ट है वी वियर्स ए शर्ट विच लुक नाइस, ही वियर्स ए शर्ट विच लुक नाइस, वह एक शर्ट पहनता है जो अच्छी दिखती है। दूसरा है, अब ये जो है विच लुक नाइस, ये शर्ट के बारे में बता रहे हैं ना, यानी और अच्छे से शर्ट कैसी है उसके बारे में और अच्छे से बता रहे हैं। तो ये कौन सा क्लॉज हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज। सेकंड है हमारा, आई मेट द बॉय हु हैड हेल्प मी, मैं एक लड़के से मिला जिसने मेरी मदद की। ये उस लड़के के बारे में और अच्छे से बताया गया, ये हुआ हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, ये जो कलर्ड वर्ड है। द बुक विच आई लाइक, ये विच आई लाइक यानी बुक की विशेषता है कि वो उसे पसंद है, बुक की बात को, बुक को और अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है बुक के बारे में और
इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है, विच इज हेल्पफुल इन प्रिपरेशन फॉर टेस्ट। तो आया बच्चों समझ में आपको कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? अब हम इसके कुछ एक्सरसाइज को करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सी है हमारा, अंडरलाइन द एडजेक्टिव क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये कुछ सेंटेंसेस हमें दिए हुए हैं, हमें इनमें से जो क्लॉज है, जो एडजेक्टिव क्लॉज है, उन पे अंडरलाइन करना है, यानी एक लाइन लगानी है। तो फर्स्ट है हमारा, हेयर आर द स्टूडेंट्स हु वॉन्ट हेल्प विथ कैलकुलस। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कैलकुलेट में यानी गणित में कुछ मदद चाहिए। तो यहाँ पे हु अभी हमने पढ़ा कि हु, हुम, हुज, विच और हुज, ये हमारे सारे एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं, तो हम यहाँ पे हु पे अंडरलाइन करेंगे। सेकंड है हमारा, इफ यू ग्रेजुएट्स हुम आई हैव ऑलरेडी कॉन्टेक्टेड विल हेल्प विद द रियूनियन। ये कुछ ग्रेजुएट्स यानी उन स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट कर चुके हैं उनके बारे में और बता रहे हैं। हूँ रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं, तो ये हुआ हमारा रिलेट। नेक्स्ट है, द ग्रुप सिलेक्टेड द स्टूडेंट हु रोड द क्लास सॉन्ग। हु हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज जो होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं, बिगिन का मतलब स्टार्ट होते हैं, शुरुआत होती है। और वो कौन कौन से होते हैं? दैट, हु, हुम, हुज, विच और हु वो। ऐसे ही फोर्थ है हमारा, विल दिस बी द ओनली इंस्ट्रूमेंट दैट यू विल प्ले टुनाइट। यहाँ पे दैट को अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट है, दिस इज द टाइम दैट वॉज सेट फॉर द मीटिंग। दैट टाइम के बारे में और बताया गया है, डिस्क्राइब किया है ये। आई रीड द लेटर दैट आई रिसीव फ्रॉम माई ब्रदर। आई रीड द लेटर दैट आई रिसीव फ्रॉम माई ब्रदर। उस लेटर की बात क्या है, क्या विशेषता है उसकी, क्या एडजेक्टिव है उसका, कि वो उसके भाई ने उसे दिया था और बताया गया। विजुअल हु वॉन्ट लास्ट ईयर कॉन्टेस्ट इज सीडिंग फर्स्ट इन दिस ईयर्स कॉम्पिटिशन। हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट है, यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट है, एल्विन इज द स्टूडेंट हु कॉल्ड द क्लास मीटिंग। यहाँ हम हु पे अंडरलाइन करेंगे। इट इज़ द लास्ट एग्जामिनेशन दैट आई मस्ट टेक। ये लास्ट एग्जामिनेशन है जिसे इसी लास्ट एग्जामिनेशन की और कुछ बताया गया कि इसे लेना ज़रूरी है, तो ये दैट। रूपल रोड द पोयम दैट वन फर्स्ट राइट। पोयम के बारे में और बताया गया है कि इस पोयम ने ही हमारा जो कॉन्टेस्ट है वो फर्स्ट प्राइज है वो जीता है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है लर्न क्लास वर्क, यानी कि ये जो आपको बताया गया है या समझाया गया है ये आपको अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।